फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम कुमार। तो आज के वीडियो में हम फिर अपने कार पे ही वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मेरे कार में जो आगे स्पीडोमीटर है उसमें लाइट ग्लो करता है, जो कि अंदर से हैलोजन बल्ब है जो कि येलो कलर का ग्लो करता है, वार्म टोन है उसका। तो उस वार्म टोन की वजह से मेरे कार में जो अंदर इंटीरियर में जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर में रेडियम टाइप का ग्रीन कलर का लगा हुआ, तो जिसके कारण से वो येलो एंड ग्रीन मिक्स होकर बाहर एक्स्ट्रा ग्रीन ही आता है। तो हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं अपने कार में उसी ग्रीन जो जलता है उसके जगह पर व्हाइट जलने लगे या फिर थोड़ा सा व्हाइट इज ग्रीन थोड़ा दिखने लगे। इसके लिए हम एक प्रोडक्ट मंगवाए हैं जिसको हम अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि इसका हम चार प्रोडक्ट मंगवाए थे, दो पेयर में मेरे पास चार LED बल्ब आया, LED बल्ब, तो जिसमें दो पार्किंग लाइट भी लगा दी, आगे जो हैलोजन बल्ब जलता था कार में सिर्फ एक बीम ऑन करने पे पार्किंग लाइट जो जलता था, और जो हेडलाइट है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पार्किंग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको पायलट हेडलैम्प भी बोलते हैं, तो उसी टाइम पे आया था। तो हम ये चार बॉक्स आया था इसमें, अब पता नहीं एक तो मिल रहा है बाकी दूसरा कहाँ गया पता नहीं, इसको कहाँ रखे, इसी में तो रखे थे। ये तो जो रिप्लेस किए थे वो हैलोजन बल्ब है नॉर्मल वाला, तो ये मिल गया LED बल्ब। तो हम इसको आपके सामने खोल देते हैं क्योंकि कुछ तो दिखना चाहिए अनबॉक्सिंग के तौर पे। तो ये रहा LED बल्ब, फोकस हो जाओ, तो ये रहा LED बल्ब जिसको हम आगे इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी एफर्ट्स लगने वाला है क्योंकि पूरा का पूरा आगे का स्पीडोमीटर पोर्शन पूरा ओपन करना पड़ेगा। तो खैर वो मिल ही जाएगा और हम वीडियो में आगे चलते हैं। तो हम इससे अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हम इससे रिकॉर्ड करना बंद कर चुके हैं और फ़ोन से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं और ये ले लिए हैं, तो इससे अभी हम रिकॉर्ड करते हैं और इसको सेट करके दिखाते हैं कार के पास और दिखाते हैं। तो कार को हम पहले ही पीछे रखे हुए हैं क्योंकि हम एक वीडियो अभी जस्ट शूट किए हैं हेडलाइट वाला, जो LED हेडलाइट, और अभी फ़ोन थोड़ा सा गिर गया था, थोड़ा सा नहीं काफ़ी गिर गया था। तो ये LED सेटअप किए हैं, तो ये इसका वीडियो देखना था आपको चैनल में जाके मिल जाएगा, नीचे रिसेंट वीडियो में वही होगा या फिर इससे पहले यही आ गया पता नहीं, जो भी मिल जाएगा खुद ढूंढने पर। तो चलते हैं, पहले इसको हम इंस्टॉल करके दिखाते हैं जो कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं यहाँ पे हेडलाइट में। तो अभी फ़िलहाल कैसे चल रहा है उसको हम एक बार दिखा देते हैं आपको। तो अभी चल रहा है इस कलर का जो कि ग्रीन ग्रीन लग रहा था, आप देख सकते हैं ग्रीन टाइप का ही लग रहा है ग्रीन, तो इसी को हम व्हाइट कलर करने वाले हैं, व्हाइट में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अरे यार ट्रांसफ़र तो नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा, अरे जैसा भी आप समझ गए, तो इसको व्हाइट करने वाले हैं। आप पीला कैसे आपको दिखेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर येलो येलो ग्लो कर रहा है, तो इसी पे दो बल्ब हम चेंज करने वाले हैं और येलो से व्हाइट कलर का बल्ब लगाने वाले हैं, जो कि हम पहले ही एक बार और इंस्टॉल कर चुके हैं, जो कि ये चलता था पहले येलो इसमें व्हाइट हो गया, ये पैलेट हेडलैम्प किसी को बोलते हैं या फिर पार्किंग लाइट। फिलहाल हम इसको अनबॉक्स करने का तरीका बताते हैं कि इसको खोलने का तरीका बताते हैं कि कैसे खुलेगा, बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम इसको अभी ओपन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा हटाना पड़ेगा इसको, यहाँ पे काफ़ी गंदा है, इसको आप थोड़ा माइंड में कीजिएगा क्योंकि अगर करिएगा भी तो मेरे को क्या होगा पता नहीं। तो इसको हमको खोलना है, ये जो आपको दिख रहा है इस पर एक यहाँ स्ट्रैप भी लगा हुआ है, तो एक मिनट हम पहले स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे जिसमें दो साइड वाला पिन रहता है, उसको ऐसे कर लेना है। अब इससे हम रिक्रूट ले जाए, इससे हमको यहाँ पे स्पेस बनाना है ताकि ये यहाँ से इजीली खुल जाए चारों साइड से, बस इतना ही काम करना है, इजी है, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, हेक्टिक वर्क नहीं है, या फिर आप ऐसे सोचने लगे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो इसको साइड में रख देते हैं ताकि सेफ रहे। काफ़ी गंदा लग रहा होगा देखने में, जिसका कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये खुल गया पूरा, हम फ्लैश लाइट जला दिए ताकि दिखे अच्छा से, आपको यहाँ दिख रहा होगा ध्यान से, तो सामने ले जाकर देखो, यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइट, एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू यहाँ है और एक स्क्रू वहाँ पे है, तो यही तीनों स्क्रू को हमको खोल देना है ताकि ये पार्ट बाहर आ जाए, इस तरह से दोनों को अनस्क्रू कर लेना है, ये निकल गया साइड में रख देंगे ताकि दिक्कत ना हो, बाकी रहा ऊपर, ऊपर दिखाना वहाँ पर वहाँ तक स्क्रू जा रहा है कि नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं कि उसके साथ ही आ जाइए ताकि नीचे ना गिर जाए, हाँ ये साथ में आ गया है इसके, इसको वापस हम थोड़ा सा इसी पे टाइट कर देते हैं ताकि ये नीचे ना गिर जाए वापस लगाने टाइम, ये बाहर आ गया है ऑलमोस्ट, तो
कोई वायर तो नहीं खींच रहा है। तो आपको दिख जाएगा ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यही है वो बल्ब। तो इसको हमको अनलॉक करना होगा, एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमा देंगे, ये बाहर आ जाएगा। और ऐसे ये बाहर आ गया। अब ये जो बल्ब है इसको हम ऐसे बाहर खींच लेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे लाइट को ऐसे, बस दूसरा जो लाइट है। और दोनों साइड से एक बार इंसर्ट करके देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है, वो चेक करने के लिए ऐसे इंसर्ट कर देते हैं इसको। थोड़ा सा इसमें फोर्स लगेगा और लगा के देखेंगे और लाइट जला के देखेंगे, तब इसको वापस से हम क्लॉक वाइज घुमा देंगे इसको। हाँ, अबर ग्लो कर गया है ये, फिलहाल तो ग्लो कर रहा है। थोड़ा सा वाइटिश तो नहीं, स्काई ब्लू टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या है। ये तो ग्लो करने लग गया। हाँ, ये साइड से हो गया। अब हम यही सेम चीज़ दूसरे साइड से करेंगे। अब ये साइड से देखने वाले हैं कि इधर किधर है, थोड़ा सा ये फंसता है, तो उसके लिए ध्यान रखना होगा। इसको चेंज करना है तो इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और ये निकल जाएगा। इसको हम बाहर निकाल देंगे, जो कि काफ़ी गर्म है क्योंकि बहुत देर से जल रहा है। ये निकल रहा है कि साथ। अब इसके जो दूसरा था उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ऐसे, वापस से सेम प्रोसीजर है, काफ़ी एफर्ट्स डालना पड़ रहा है। अब इसको हम वापस से वहीं पे इंसर्ट करके देखेंगे कि ग्लो कर रहा है कि नहीं। जो कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब शायद से उल्टा लगा पड़ा है। फिर से इसको चेंज करेंगे। अगर ऐसा आपके साथ हो तो इस जो कॉपर प्लेट है उसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे दोनों साइड से। उसके बाद हम एक बार जला के देखते हैं यहाँ पे जल रहा है कि नहीं। हाँ, अब जल गया। अब इसको जलने के बाद रोटेट कर देंगे तो वाइट लाइट फाइनली हो गया। अब इसको वापस से इंसर्ट करेंगे कि कैसे होगा। तो थोड़ा सा इसका काम 100% हो गया, जो कि ग्लो भी कर रहा है। अब हम इसको वापस से लगाएंगे। तो इसको लगाने में कुछ बड़ा काम तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो भी गया फिर भी लगाएंगे। वाह, 1 सेकंड का काम था ये तो, और परफेक्टली बैठ भी गया, अलाइन हो गया 100%, सीधा सीधा सही सही। तो इसको हम वापस से इधर क्लीन कर लेंगे। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अंदर भी क्लीन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कम है मेरे पास अभी फिलहाल, मतलब इस वीडियो बनाने के लिए। और इसको वापस से, अरे बाप, सही हो गया। तो इसको ग्लो करके दिखाते हैं, देखिए ऐसा जल रहा है, जो कि पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और लाइट ब्राइटनेस भी बढ़ गया है और देखने में भी काफ़ी कूल लग रहा है कलर। इस फ्लैश लाइट जल रहा है इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो पहले और अभी में फ़र्क देख सकते हैं, जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़ गया है और कूल लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसका कलर। कैसा लगा आपको, आप देख के बताइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही कार बाइक रिलेटेड कंटेंट हम लाते रहते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इसमें पूरा उसको खोल वोल के इसका कलर वगैरह चेंज करने का कोशिश किए और देखने में ब्राइटनेस मेन था मेरा फोकस, कि ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ जाए और वाइट थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगे, लेकिन उतना वाइट नहीं हो पाया जितना हम सोच के रखे थे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से। तो ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस पार्किंग लाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ बता देते हैं, जहाँ पे हम सेम चीज़ किए इसी को और भी आप कर सकते हैं अपने तरीके से। इसमें मल्टी कलर लाइट भी आता है, जिसमें आप कोई भी कलर का ग्लो करवा सकते हैं अपने डैशबोर्ड को। आपको मन है स्पोर्टी लुक तो रेड कलर में, वाइट कलर में, जैसा भी कलर है, मात्र इससे लगभग डबल टाइम्स प्राइस है, तो डबल ट्रिपल मतलब 400-500 तक में आ जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी हम चेक करके रख चुके हैं, लेकिन उसको उस टाइम पे हम इंसर्ट किए थे पार्किंग एलईडी लाइट में। लेकिन पार्किंग वाला अलग अलग कलर हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से छपरी वाला हो जाता है, तो इसीलिए उसको हम छोड़ दिए थे, वापस कर दिए थे। लेकिन उस चीज़ को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है कि आपके कार में रेडी स्टोन रहे तो आपको लगेगा स्पोर्टी लुक, या फिर ग्रीन एको मोड ऐसा कुछ। आपको रिमोट भी मिलेगा, जैसा आप कलर टैप करेंगे वैसा ही कलर का वो ग्लो करेगा।
आपको रिमोट मिल जाएगा एक्स्ट्रा में, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट हम जो वाइट वाला लगाएं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो अमेजोन एफिलिएटेड लिंक है, 100% ट्रस्टवर्दी लिंक है, तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगले वीडियो में मिलते हैं।